Assalamualaikum, welcome back to the another vlog. कैसे हैं आप सबके सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लोग ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे. आफियत ही कहते हैं या आफत कहते हैं मुझे नहीं पता भाई. तो भाई ये है कि आज हो रही है हमारे घर की शिफ्टिंग, जिसमें कि आपी आई हुई है और मोम वगैरह उस तरफ उस कमरे में मसरूफ हुआ और इस कमरे में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया. अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो घर है हमारा और ये जो कमरा है, इसको हम एक दो दिन में करने लगे हैं अलविदा, जाने लगे हैं न्यू घर में. तो भाई न्यू घर ये है कि हमने न्यू घर लिया है, रेंट के रेंट पे ही लिया यार. अपना नहीं, अल्लाह ताला हमें अपना घर भी दे और आप लोगों ने दुआ करनी है कि आपके भाई का अपना घर भी होगा इंशाल्लाह एक दिन. और भाई रेंट का घर है और हम शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा, इस घर से थोड़ा बड़ा घर है थोड़ा यार. अब थोड़ा हम लोगों को ना छोटा सा लगता था, तो मेहमान आते थे, तो इसलिए हम लोग चेंज कर रहे हैं ये घर और नया घर भी आपको होम टूर कराएंगे उसका बने रहेगा. लेकिन आज का जो व्लॉग है, आज का व्लॉग ये है कि मैं जा रहा हूँ असद के साथ, जो एंग्री फ्रेंड है यार, उसके साथ जा रहा हूँ कवाली नाइट पे और आने वाला है बहुत मज़ा. तो मैंने सोचा भाई व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए आज, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार बनने वाला है. इसलिए यार सर्दियाँ हैं और इतनी सुस्ती होती है कि ये देख रहे कंबल देख रहे हैं आप, इस यहाँ से उठने का ना बिल्कुल दिल ही नहीं करता आपके भाई का. अभी उठाऊँ शर्ट ये पहनी हुई थी नीचे वाली, मैंने सोचा कि लास्ट व्लॉग में ये पहनी थी, फिर मैंने ऊपर जल्दी दस्ती ये चढ़ाई की यार, थोड़ा व्लॉगिंग में चेंज होनी चाहिए. तो बस अभी उठाऊँ, उठ के बस अब नहाते हैं धोते हैं, समझ रहे हो, नहा धो के फिर चलते हैं कवाली नाइट पे. तो आप लोग बने रहेगा स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल. वेलकम बैक व्यूअर्स, तैयार व्यार हो चुका हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं. और यार इतने ठंडे पानी से आपका भाई नहाया है ना, कसम से. और मेरे सामने असद साहब आ चुके हैं लेने के लिए. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह. ये असद है, सॉरी ये असद है और ये असद का भाई है और ये मैं हूँ भाई. नहा के ना थोड़ा बुखला गया हूँ मैं, बस ठंड तो बहुत लग रही है. बाकी हम जाके पूरी जो लुक है वहाँ जाके दिखाएंगे. आप हेल्प करेंगे मेरी ब्लॉग बनाने में? क्यों, आप इस लायक नहीं है. तुम्हें तमीज नहीं है एकदम, तुम तो हो ही मनुष इंसान. जब भी तुमने किया ना, जब भी कोई मनुष्यत वाली बात की है. ठीक है चले मिलते हैं आपको वहाँ पहुँच के. क्या है इश्क ना, शाम इश्क और रंगे सुखन. मिलते हैं शाम इश्क और रंगे सुखन पे आपको. भाई मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा ठंड. और असद थैंक यू सो मच, असद ने मुझे कहा कि भाई बाल गीले हैं ऐसे, तो तू ना मेरी शॉल ले ले जो पड़ी थी. तो भाई नो कॉम्प्रोमाइज ठंड के साथ, ठंड में. भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पर, कौन से इवेंट कहाँ हो रहा है? शामे इश्क इंस्पायर कॉलेज हो रहा है भाई. हम लोग ठंड की वजह से और यहाँ पे लोग ना क्या लोग क्या क्या करके आए हैं सर? यार कपड़े पहने हुए, बटन खोले हुए हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं है. लोगों को लगता है ठंड नहीं लगती, लेकिन हम लोगों को यार बहुत ठंड लग रही है. हम बूढ़े हो गए ना. लेकिन यार नहीं, हम लोगों ने सिंगल ही पहना, कुछ और नीचे से पहना नहीं हो रहा, इसलिए चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि क्या होता है शाम इश्क में. चलते हैं देखते हैं. और अच्छा मेरी पूरी लुक दिखा रहा है, चलो एक मिनट. ठीक है चल. यहाँ पे लोग सारे कैसे बैठे हैं जैसे ना ऐसा, हम लोग वैसे बैठना पड़ेगा, हमें ऐसा बैठना पड़ेगा. तू एंजॉय करने है, क्या करने है यहाँ पर? क्यों असल करते ना सर, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है सर, लोग देखे ना कंफ्यूज हो जाता है. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बोलो. अच्छा भैया, अच्छा मैं तेरी बेइज्जती नहीं करना सीरियसली. चलते हैं आगे आगे चलते हैं आगे, जितना रश है. हाँ जब से तू आया हुआ है ना, ये बंदा पिक्चर्स में जा रहा है बस सर, कोई काम नहीं. तो यार कॉन्फिडेंस यार फ्लैश लाइट और होती है ऐसा देखा. अच्छा आगे चलते हैं. फिर एक शाम तेरा इंतजार करते हुए प्रोग्राम पे बढ़ गया, कहते हैं कहाँ बढ़ा. तो भाई आगे आगे कहाँ जा रहे हो? आगे हम नहीं जा सकते, आगे बॉर्डर लगाए हुए भाई. आगे आगे तो आगे लड़कियाँ बैठी हैं. यार बंद कर अपना. नहीं मैं नहीं बंद कर रहा. ये कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर से आगे जाना है, वो कह रहे हैं कि लड़कियां आगे नहीं जाने दे रहे. एकदम से अंधेरा हो जाए.
ये कमाली लाइट नहीं हो रही, क्या हो रहा है? प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम बढ़ गया है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ब्यूटी पार्लर बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे पता नहीं कभी प्रोग्राम वर्ड है और कभी प्रोग्राम जा रहा है, और यहाँ पे ब्यूटी पार्लर बंद कराए जा रहे हैं। हाँ, कोई प्रोग्राम था ही नहीं, हम लोगों को लग रही है भूख, हम लोग कुछ खा के आते हैं। तो भाई यहाँ पे प्रोग्राम कभी वर्ड है, कभी चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, दिखाते रहेंगे आप लोगों को, आप लोग बने रहें। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कवाली नाइट है, यहाँ पर शोर शराबा ही हो रहा है। असद कहाँ गया? आ जाओ भाई, असद कहाँ गया? असद कहाँ गया? असद को देखना पड़ेगा। मैं तो ढूंढ ढूंढ, तू कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? हम लोग खाते हैं चिप्स और चिप्स। भैया ये कितने की है? 150 की सिर्फ, यही इतनी छोटी सी। कौन है ये लोग? हाँ जी, 100 की आपके लिए, 100 की ये वाली। और चिप्स कितने की है? चिप्स है आपके पास? बनाते हैं सोसेज के साथ, है तीन फ्लेवर है, बारबेक्यू। चलें देखते हैं, हमें चिप्स खाना है, चिप्स खा ले, वापसी आते हैं आपके पास से। चिप्स चिप्स देखते हैं भाई, हम नहीं एक स्टिक के लिए उधर वो खानी है। वो क्या है वो? शक्करकंदी नहीं, चिप्स खाते हैं। भैया छोटी प्लेट कितने की है? 100 रुपये की, एक प्लेट कर दो फिलहाल। ट्राई करते हैं, अगर अच्छी होगी तो हम दोबारा भी खाएंगे यार। और भी खाने कहाँ है? कौन से वाला भाई है? वो भाई सामने उधर से, वो तू मुझे मार के लाता है। नहीं भाई, मैं नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो भाई हम लोगों की चिप्स आ चुकी है, और चिप्स के साथ साथ ये सॉसेस, और खा के बताते हैं कैसी है भाई। ये इसके साथ लगाओ, इसके साथ लगाओ, इसके साथ लगाओ। ग्रीन चटनी है ना, ये ग्रीन चटनी बहुत मजे की। भैया जी जी, ग्रीन चटनी कैसे बनी है बताएं जरा। ये धनिया, मिर्च, पुदीना, जीरा, सिरका, अजवाइन, ये सारी ग्राइंड करना, ग्राइंड करके बन गई यार। बहुत मजे की, बहुत मजे की चिप्स है। और स्पेशल ये जो मिसाल है, ये वाली है, कैसी लगी? बहुत बढ़िया ना। सब लोग जा क्यों रहे हैं? सब लोग जा क्यों रहे हैं? प्रोग्राम बढ़ गया वाकई, सीरियस में ना कर, आगे चल के देखते हैं। आ जा, मुझे नहीं लग रहा मुझे लगता है वाकई प्रोग्राम बढ़ गया, कुछ ना कुछ हुआ है। देखते हैं भैया क्या हुआ। बढ़ गया बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, बढ़ गया प्रोग्राम, वाकई बढ़ गया। मुझे लगता है भाई जो तूने पढ़ता है 15 दिन से एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे इसकी, क्या 15 दिन से हुआ क्या? क्यों प्रोग्राम कैंसिल क्यों हो चुका है? चलो कोई बात नहीं, हमें ना ब्लॉग का टाइटल और थंबनेल मिल गया। बंद कर दिया भाई इन्होंने। यार आखिरकार हमें धक्के देके बाहर निकाला है सर। चल नहीं, धक्के देके नहीं निकाला, हम वैसे निकला है भाई, प्रोग्राम सीरियसली बढ़ चुका है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो तू है मनोज, मुझे लेके जहाँ भी लेके गए ना, वहाँ कोई ना कोई सानिया जरूर हुआ है हमारे साथ। तुम बाइक बाइक निकाल, ना शुक्र और ना कदर है यार। जब हम लोग वहाँ गए थे, क्या कहाँ गए थे हम लोग भला? ये यार शादी हॉल घुसे थे तो हमारे साथ हुआ था, हमने अभी वो भी लोग हमने अपनी अपलोड नहीं किया ना, हम करेंगे अपलोड शायद। सोच नहीं नहीं नहीं, अब हम चल, अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? प्रोग्राम वाकई बढ़ चुका, क्योंकि प्रोग्राम बढ़ने की वजह ये थी कि NOC नहीं था पुलिस वालों के पास, तो इसलिए पुलिस का छापा पड़ चुका है, और पुलिस ने डंडे मार के सबको निकाल दिया। हम लोग पहले निकले हैं, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? लेकिन कार का डंडा बहुत बुरा पड़ा। नहीं मुझे पड़ता ना बेटा, ऐसे पड़े ना जाए मुझे। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, हम पैदल जा रहे हैं मालूम मुल्तान, थोड़ी पिक्चर और वीडियो बनाते हैं और उसके बाद फिर मिलते दिखाते हैं यार आपको। वाकई यार तो प्रोग्राम बढ़ गया यार, यार रोक के आए कवाली नाइट के लिए, और कसम से बढ़ गया प्रोग्राम। सो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं मालूम मुल्तान, और भाई मालूम मुल्तान में क्या किया है?
मालूम मुल्तान में भी क्या आके कुछ भी नहीं किया भाई ने, भाई भाई हो चुके हैं बोर और वाकई हमारा दिल टूट चुका है। जिस तरह हम सुबह से तैयारियों में थे ना कि हम कवाली नाइट पे जा रहे हैं, कवाली नाइट पे जा रहे हैं, उस तरह हमने कवाली नाइट इन्जॉय नहीं की। तो अगर अब ये तो था प्रोग्राम तो बढ़ गया, लेकिन मैं आपका ब्लॉग बिल्कुल नहीं बढ़ने दूंगा मैं तो। इसलिए इसी ब्लॉग में रहते हुए आप लोग, आज से कुछ 5 से 6 महीने पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, छोटा सा पार्ट था, सोचा था कि कोई ब्लॉग अधूरा बनेगा तो उसमें ऐड कर दूंगा, तो आज मैं उस ब्लॉग में ये पार्ट ऐड करूँ। पहले फटाफट जाके वो ब्लॉग का पार्ट देख के आएँ जो 6 महीने पहले था, ब्लॉग तो पूरा देख लें आप, उसके बाद फिर आप आएँ। अल्लाह हाफिज़, फिर करते हैं हम लोग। Many months later. तो हम उस्मान साहब के साथ आए हैं यहाँ पर ताज़ा गोश्त बनवाने के लिए। क्या बनवाने के लिए? गोश्त नहीं, हम लोगों ने अभी मतलब क्या करना है? तो यार इसने मुझे कहा है कि छोटा मोटा सा व्लॉग स्टार्ट कर दो, यहीं से इसकी बर्थडे है, ये हमें ट्रीट दे रहा है और आधे पैसे हमसे ले रहा है। तो भाई इसलिए मैंने कहा चलो छोटा मोटा सा जो ये क्लिप है ये मैं हाँ ये मैं किसी भी ब्लॉग में ना ऐड कर दूंगा, प्रॉपर एक ब्लॉग नहीं है, किसी भी ब्लॉग में ऐड कर देंगे उस्मान की बर्थडे वाला थोड़ा पीछे करके। तो ये सामने देख सकते हैं भाई ये सारे ताज़े गोश्त बन रहे हैं। आजा भाई, हमारे ऑर्डर वाला भाई कहाँ है? उस्मान ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसको शाया होता है, देखें बस क्या। मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, बना रहा हूँ, एक यादगार रख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तुम चलो ऑर्डर करो, गोश्त कटवाओ। काम का सीट के लेके जा रहा है मुझे, यहाँ तो बकरे कट रहे हैं ताज़े, वहाँ ताज़े बकरे कट रहे हैं। कहाँ से भैया, कहाँ से जाना पड़ेगा? हाँ मीट कटवाना हमें। ओके 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 ओके, आ जाओ आ जाओ, लेट्स गो लेट्स गो। तो ये हमारा ऑर्डर, ऑर्डर आप लिखवाओगे? यहाँ पे लिखवाना है ऑर्डर? हाँ तो हमने अपना मीट कटवाना है, अपना मीट कटवाना है। अपना नहीं, बकरे का मीट कटवाना, कटवा चलो कटवाओ, देखो। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये भाई बैठे हैं और ये भाई गोश्त काटेंगे और फिर हम खाएंगे। तीन पाव कराना है? जितनी तुम्हारी जेब इजाजत दे उतना कराएंगे ना। तीन पाव कराना है भाई, तीन पाव भाई स्पेशल जबरदस्त करके बना दें आप तीन पाव। ये देखेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं कि उतना यमी यमी सा लग रहा है। उस्मान तुम्हारा दिल तो कर रहा होगा कच्चा खा लो, ऐसा ही है। तुमने तुमने मुझे याद है तुमने एक दफा कच्चा गोश्त खाया है ना? मैल ना होती तो मैं बॉईल करके खा लूं। हाँ इसने एक दफा ना कच्चा गोश्त खाया हुआ था बॉईल करके, वो भी आदम खोर हूं। अपने मुंह से खुद ही बोला कि मैं आदम खोर हूं। भाई ये बैठे हैं बस, ये भाई जबरदस्त है, आपने गोश्त कट करना है ठीक है, कढ़ाई जब बने ना तो मजा आ जाए। बड़ी मुश्किल से हमें ट्रीट दे रहा है, इसलिए ये बड़ी मुश्किल से हमें ट्रीट दे रहा है, ये इसलिए कह रहे हैं हम। सही है, चले बस ठीक है, बस जब रेडी हो गया आएगा गोश्त वोश्त। हाँ इनको भी क्रेडिट जाएगा सारा का सारा, ये आप देख रहे हैं कि ये गोश्त। सो फनी, बस अब जैसे गोश्त कट के आएगा, बन के आएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। खा पी रहे भाई, खा पी वो सैलेड खाई पड़ा है, रायते खाई पड़ा है, सब कुछ खाई पड़ा है यहाँ पर, सब कुछ वो फूल हुआ पड़ा है। उस्मान साहब की फरमाइश थी कि आज ब्लॉग बनाना है, तूने मेरी सालगिरह की ट्रीट का किसी भी ब्लॉग में ऐड कर देना। मैंने कहा भाई स्टार्ट कर दिया मैंने, बेटा मौज करा दिया, तुम तो बड़े हैवी ड्रामा। चटनी के साथ क्या कर दिया तूने? लेटे लेटे उसको पता नहीं चला चटनी के साथ, चटनी सारी उसकी लग गई है। जी अली भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी बात मेरी बात जी जी, वकार साहब का ऑर्डर, अली साहब का ऑर्डर नहीं है तो बढ़ गए जी, वकार साहब का ऑर्डर है। जी कर लेंगे। अब हम फिलहाल खाना खाते हैं, मतलब इन्होंने खाना खत्म कर देना है, खाना खाने के बाद फिर हम व्लॉग को भी यहीं पर ही एंड कर देंगे। तो ऑप्शन भी बता दो। वो व्लॉग भी बड़ा हिट हुआ था, चौथे ऑप्शन वाला मैच वाला याद है क्या? बिल मैंने ये मैंने थोड़ी पे करना है, मुझे दिखा रहा है। कितने हैं? 3200 ओनली, 3200 बस। दे आधा बिल पूरा दे बेटे, आधा बिल। उस्मान साहब बड़ी मेहरबानी, आपने हम पे 250 रुपए लगाए, मतलब जो था 250 रुपए की सिर्फ ट्रीट दी, बाकी जो बिल था वो हमने खुद पे किया। 250 में यहाँ पे कुछ भी नहीं आता,
जी जो तुमने किया ना मेहराब, इसने जो हमारे साथ किया है ना, तो बस छोड़े बस, चले 250 की ट्रीट दे दी बस, ठीक है। मेहराब का तो इतना सा व्लॉग था, बाकी कंटिन्यू करते हैं दूसरे व्लॉग। तो भाई लोग कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग, जो लोग गए थे क्या कहते हैं ये मेहराब होटल पे, तो वहाँ का कुछ व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ कंबाइन में दो व्लॉग कर दिए, और इस व्लॉग को आप लोगों ने लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम और नेक्स्ट व्लॉग नहीं बढ़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।